सभी को नमस्ते, मेरा नाम नीरज अत्री है और आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है इस्लाम का जिसे फ़तेह मक्का कहा जाता है, कि जिस दिन इन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेलों ने मक्का को जीत लिया था। जैसा आपको पता है कि पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में जन्म हुआ था, वहीं पला बड़ा था, लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए मदीना शिफ्ट कर गया था जिसे हिजरत कहा जाता है, और वहाँ पर लगभग 8-9 वर्ष अब हो चुके थे इसे, और बहुत बड़ी इसने एक अपने चेलों की सेना बना रखी थी। और दूसरी ओर कुरैशी जो मक्का में रहते थे वो अब इससे घबरा चुके थे, डर रहे थे, और 630 से कुछ समय पहले एक उमरा करके आए थे ये मक्का में, जहाँ पर मक्का वालों ने जो संधि की हुई थी इनके साथ उसके अनुसार पूरा शहर इनके लिए खाली कर दिया था 3 दिन के लिए। तो इससे आपको ये समझ में आ सकता है कि मक्का वाले एक तरह से जो कुरैशी थे वो अब डिफेंसिव थे या बैकफुट पे थे, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं। तो अब आपस में तो संधि थी, लेकिन हुआ क्या कि मक्का के पास में दो कबीले थे, एक कुरैशियों की ओर था और दूसरा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ओर था। दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की साइड वाले थे उनका नुकसान ज़्यादा हुआ, उनके लोग मारे गए, और ऐसा कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इन्हें मारा गया था। तो एक तरह से ये संधि का उल्लंघन था। तो इस कबीले का जो सरदार था वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाता है कि क्या करना है। तो अब उसके मन में क्या चल रहा था हम नहीं कह सकते, लेकिन उसने इमीडिएटली बोला कि हम इसका बदला लेंगे, और ये मैं ऐसे मानूंगा जैसे तुम्हारे कबीले पे जो हमला हुआ है वो मेरे ऊपर ही हुआ है। मतलब साफ था कि अटैक किया जाएगा। दूसरी ओर कुरैशियों का जो लीडर था अबू सुफियान, उसने जब उसे ये चीज़ पता चली तो उसने सोचा कि जाके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से दोबारा से संधि कर ली जाए ताकि झगड़ा ना हो। ये सारा जो मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं दो सोर्सेज ले रहा हूँ। विलियम मुइर वाली बायोग्राफी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके पेज नंबर 387 से शुरू होता है और लगभग 400 नंबर पेज तक चलता है। दूसरा ले रहा हूँ जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी की लिखी किताब है अर रहीक अल मखतूम, उसके पेज नंबर 249 से शुरू होता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, और फिर 8-10 पेज के लिए चलता है। इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या हैं कि यहाँ तक जो मैंने आपको बता दिया, फिर उसके बाद अब जब सब अबू सुफियान आता है अपना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से सेटिंग करने के लिए, तो उसे कोई अच्छे से जवाब नहीं दिया जाता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उससे बात नहीं करता, और अली के पास जाता है तो अली भी उसको कोई ज़्यादा अच्छे से जवाब नहीं देता, जिससे उसे एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि अब ये लड़ाई होने वाली है, ये लोग मानेंगे नहीं। तो वो वापस आता है और मक्का वाले जब उससे पूछते हैं तो बताता है कि कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, मैं उनके पास बात करने गया था लेकिन वहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो मक्का वालों के लिए ये मैसेज था कि अब लड़ाई होगी या मक्का पे हमला होगा, लेकिन कब होगा ये उन्हें नहीं पता था। इधर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तैयारियां शुरू कर दी, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथियों में एक व्यक्ति था हतीब नाम का, जिसके कुछ रिश्तेदार अभी मक्का में रहते थे। तो उसे लगा कि क्योंकि ये बहुत बड़ी सेना लेके जाने वाले हैं तो मक्का वालों का हारना लगभग निश्चित है, तो उसने एक मैसेज लिखा और एक लड़की के हाथों से भेजा कि वो मदीना से जाएगी और मक्का में ये मैसेज दे दिया जाएगा। अब ये दोनों जो बायोग्राफीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, दोनों इसके बारे में थोड़ा अलग अलग बताती हैं। विलियम मुइर का कहना है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपने जासूसों से इसके बारे में पता लगा, और सैफुर्रहमान मुबारकपुरी का कहना है कि जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह मियाँ नाम का, उसने मैसेज भेजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास कि ये जो लेडी है ये मैसेज लेके जाने वाली है। तो जो भी हो, अली को और एक दूसरे आदमी को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भेजते हैं कि जाओ उस लेडी के पास और देखो कि उसके पास अगर मैसेज है तो उसे ख़त्म करो, मैसेज को ख़त्म करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मदीना मक्का वालों को इस अटैक के बारे में पता लगे। सडन हमला होगा, अचानक किया जाएगा। तो ये जो लड़की या महिला जो जा रही है, ये अली और उसका साथी उसे रास्ते में रोक लेते हैं, उसके सामान की तलाशी लेते हैं, उन्हें कोई चिट्ठी मिलती नहीं जिसमें लिखा हो डिटेल के बारे में। तो फिर वो इसे कहते हैं कि देख, हमें पता है कि तू मैसेज लेके जा रही है, अगर तूने हमें नहीं बताया कहाँ है तो अब हम तेरे कपड़े उतारने वाले हैं। हो सकता है तूने कपड़ों में छिपाया होगा, या उसे डराने के लिए कहते हैं।
तो महिला घबरा जाती है, वो उसने अपने बालों में चिट्ठी छिपा रखी थी, वो उन्हें निकाल के दे देती है। तो जिससे ये प्रूव हो जाता है कि उस आदमी ने ये मैसेज मक्का के लिए दिया था। फिर हातिम इनसे माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता, लेकिन मक्का वालों तक ये मैसेज नहीं पहुंचता। अब यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह मियाँ जो ये कुरान का गॉड है, अगर वो मैसेजेस देता है कि भाई इस तरह से इन्फॉर्मेशन मक्का पहुँचने वाली है, तो इतना बताने से क्यों गुरेज कर जाता है कि उसके बालों में चिट्ठी छिपी हुई है? वो भी बता देता तो काम आसान हो जाता। लेकिन हम काफिरों को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो अब ये लोग एक बहुत बड़ी सेना, ऐसा माना जाता है कि 10,000 लोगों की सेना लेकर चलते हैं मक्का पे हमला करने के लिए। और क्योंकि सेना बहुत बड़ी है, मक्का वाले घबरा चुके हैं, अचानक हमला होता है। उधर अबू सुफियान चलता है पता करने के लिए कि हमला कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसके बारे में जो इतिहासकार हैं उनके बीच में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि अबू सुफियान जब चला था, वो रास्ते में पहुंचता है, इनकी सेना से मिलता है, तो उसकी पहले से ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ सेटिंग हो गई थी कि वो हमला कर सकता है। दूसरा जो नैरेटिव बताया जाता है वो ये है कि वो जब उसने इनकी इतनी बड़ी सेना देखी रास्ते में, तो इनके पास जाता है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहता है कि भाई ये हमला नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी सेना है। तो इसके गले पे तलवार रख दी जाती है और इसे कहते हैं कि हम तेरी गर्दन काट देंगे, ज़्यादा तू अपने आप को स्मार्ट मत बन कि जो पैगंबर है उसको मान ले। तो कहता है कि पैगंबर वाली कंसेप्ट तो होती नहीं जैसा मक्का वाले नॉर्मली कहते थे। तो उसे कहा जाता है कि अभी तेरी गर्दन का खतरा है तुझे, तो अगर अभी भी नहीं माना तो तेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अबू सुफियान इस्लाम को कबूल कर लेता है, वो मुसलमान बन जाता है। तो ये दो तरह का नैरेटिव है इसमें। अब अबू सुफियान को ये संदेश दे के भेजा जाता है कि जो लोग तेरे घर में पनाह मांग लेंगे वो बच जाएंगे, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे वो बच जाएंगे, जो काबा मंदिर में जा के पनाह ले लेंगे वो भी बच जाएंगे, बाकी सबको हम मार देंगे। तो लोग डरे होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक साइड पे कुछ लोग होते हैं जो हमला कर देते हैं खालिद पे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो सेना का एक कमांडर था। तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, 2-4 मुसलमान मरते हैं और मक्का वालों के 25-30 लोग मारे जाते हैं। तो इसके अलावा बाकी सब जगह से ये लोग शांति से घुस जाते हैं और मक्का पे फतेह कर लेते हैं। अब इस फतेह का जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब अपना जो धनुष है, या कुछ जगह पे कहा जाता है उसके पास एक छड़ी है, वो लेकर काबा मंदिर में पहुंचता है। इस समय तक काबा मंदिर और उसके आसपास 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या चित्र हैं। तो ये एक एक के सामने जाता है, अपना धनुष या जो छड़ी है उनसे उनको गिराता और उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो सैफुररहमान मुबारकपुरी है वो हमें अपनी किताब के पेज नंबर 253 पर बताता है कि उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब ये मूर्तियाँ तोड़ रहा है, जब उन्हें खंडित किया जा रहा है, तो वो दो आयतें बोल रहा है, 17वीं सूरह की 81वीं आयत यानी चैप्टर नंबर 17 और वर्स नंबर 81, और चैप्टर नंबर 34 की आयत नंबर 49 यानी चैप्टर 34 की आयत नंबर 49। देखते हैं आयतें क्या कहती हैं। और ए रसूल कह दो कि दीन यानी हक आ गया है और बातिल नेस्तनाबूत हुआ, इसमें शक नहीं कि बातिल मिटने वाला ही था। बातिल या इबलिस या झूठ या शैतान, उसका अंत हो गया और इस तरह से जो मूर्ति पूजा है उसको इन्होंने मक्का में उस दिन से समाप्त किया और एक जनरल अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा की गई सारे मक्का वासियों के लिए कि तुम्हारे घरों में जितनी मूर्तियां हैं, जितने ऐसे चित्र हैं, जितनी पेंटिंग्स हैं, आज के बाद वो नहीं मानी जाएंगी, जो ऐसा करेगा उसको मार दिया जाएगा। तो इसे कहा जाता है फतह मक्का। इसके अलावा ऐसे 8-10 लोग थे, अब ये नंबर अलग अलग आता है, विलियम मोयर बताते हैं कि 12 लोग थे, और जो मुबारकपुरी है उसका कहना है कि ऐसे 8 लोग थे जिनके बारे में डिसाइडेड था कि इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो इनमें से एक आदमी था जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बेटी के साथ कुछ बदसलूकी की थी, तो उसे अली ने मार दिया।
दो ऐसे थे जो मदीना में रहते थे और मुसलमान होते थे, लेकिन वहाँ से छोड़ के मक्का आ गए थे और इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था, तो उन्हें मारा जाना था। ख़ास बात यह है कि इनके साथ एक महिला थी जो पोइट्री करती थी या गाने गाया करती थी, और अपने इन गानों से वो कभी कभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पे ताने मारा करती थी, तो इसलिए इस महिला की भी हत्या की गई। तो ये आपको बताता है कि आजकल एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इस्लाम बड़ा शांति का मज़हब है या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बड़ा शांत व्यक्ति था, तो ये सारी चीज़ें आपको एक इंडिकेशन देती हैं कि किस तरह का मज़हब ये स्टार्टिंग से रहा है। अब इनमें एक जो दिलचस्प इंसिडेंट आता है वो है एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास मदीना में रहता था और कुरान की आयतें उसके लिए लिखा करता था। ये वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया मक्का में और इसने इस्लाम छोड़ दिया था, तो इसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की इच्छा नहीं थी कि इसे माफ़ किया जाए, लेकिन इसका एक भाई था जिसने इसे छुपा के रखा जब तक मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो गया। फिर एक दिन ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सामने पेश होता है जब वो अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है और उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे मेरी जान बख्श दी जाए। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थोड़ी देर तक तो शांत बैठे रहते हैं और फिर उसे माफ़ कर देते हैं। जब ये माफ़ी के बाद चला जाता है तो ये अपने साथियों को क्या बोलते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। उनसे कहते हैं कि मैं जब चुप बैठा था मैं इसे माफ़ नहीं करना चाहता था और मैं वेट कर रहा था कि तुम में से कोई उठे और इसकी गर्दन उड़ा दे। तो जो साथी थे उन्होंने कहा कि आप हमें इशारा कर देते हम उड़ा देते इसकी गर्दन। तो इन्होंने कहा कि पैगंबर के लिए ये कोई सम्मानजनक बात नहीं कि वो इशारे करे, तुम्हें अपने आप करना चाहिए था। तो अब आप इसको इमेजिन करके देखिए इस तरह के सीन को कि इस तरह के लोगों को आज ये माना जाता है कि ये मुसलमानों के लिए एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। और इसके बाद फिर आसपास के क्षेत्र में लोगों को भेजा गया, किसी तरफ अली जाता है किसी तरफ खालिद जाता है कि तुम जाओ और जितनी इनकी मूर्तियाँ हैं जिन्होंने अपने अपने मंदिरों में लगा रखी हैं उन सबको तोड़ दो। तो उसके बारे में जो कहानियाँ आगे आती हैं वो क्या हैं, अब जो विलियम मोयर हैं अपने पेज नंबर 399 पर बताते हैं कि पास में जो नखल नाम की जगह थी वहाँ पर अल उज़्ज़ा नाम की देवी की पूजा की जाती थी, तो वहाँ उसकी मूर्ति थी। इसे तोड़ने के लिए खालिद को भेजा गया, वो वहाँ पर जाता है, इस मूर्ति को वो तोड़ देते हैं और इसे एक बड़ा ही महान काम बताया जाता है कि उसने जाके उनकी जो देवी की जिसकी वो पूजा करते थे उसकी मूर्ति को तोड़ दिया है। ऐसे ही अमरू नाम का एक फ़ाइटर है इनका इस्लाम का जिसे बहुत अच्छा माना जाता है, वो जाता है एक दूसरे कबीले के पास, वहाँ पर उनकी देवी है उसकी मूर्ति को तोड़ता है। कुछ मदीना वाले जाते हैं वहाँ पर एक देवी है जिसका नाम मनात है उसकी मूर्ति को तोड़ा जाता है। तो ये सारी मूर्तियाँ तोड़ने की जो इंसिडेंट्स हैं इनको बड़े गर्व से महिमा मंडित करते हुए बताया जाता है। अब ये जो हमारे देश में आजकल एक नैरेटिव चलता है कि हमारे देश में जब मुसलमान आए तो उन्होंने यहाँ से ये ट्रेडिशन एक्सेप्ट की कि मूर्तियाँ और मंदिरों को तोड़ा जाए, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं था, तो ये आपको बताता है कि किस कितना बड़ा ये झूठ है कि इस्लाम स्टार्टिंग से ही इस तरह से चला है। जैसे ही इन्हें मौका मिला तो जिसे आज ये काबा मस्जिद बोलते हैं वो एक मंदिर था जिसमें सैकड़ों मूर्तियाँ थी उन सबको तोड़ा गया था। सारी उसके अंदर नहीं थी, कुछ उसके आसपास भी थी। और कोई भी मजहब ये इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे मजहब के मानने वालों के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको इस तरह से डिस्ट्रॉय करें। अब जब मुसलमान आए तो ये ट्रेडिशन पहले से मौजूद थी इंडिया में कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले के मंदिरों को भी खत्म करेगा। इस ट्रेडिशन को मुसलमानों ने भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो किया जो कि बड़ा गलत किया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्ते।